ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट मॉडल टाउन का डाकुओं से आमना सामना। खतरनाक डाकू जमील अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। पुलिस मुलजिम को साथियों की गिरफ्तारी और रिकवरी के लिए ले जा रही थी। मुलजिम कत्ल और डकैती की 72 से ज्यादा वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता था। नाबीना अफराद एक हफ्ते से इंसाफ के लिए दरबदर। पंजाब असेंबली के बाहर नाबीना अफराद का एहतजाज 7वें रोज भी जारी। मुजाहिरीन का कहना है कि बच्चे भूख से मर रहे हैं, रोजगार फराहम किया जाए। बिल जमा न करवाने पर वापडा वाले घरों से मीटर भी उतार कर ले गए हैं। मजलूम को इंसाफ की फराहमी पुलिस का अहम फरीजा है। CCPO बिलाल सदीक कुम्याना के जरिए सदार ताहम इजलास, जरे इल्तवा चालान और रोड सर्टिफिकेट्स की तकमील में पेशरफ्त का जायजा लिया। इन्वेस्टिगेशन अफसरान को कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने का टास्क सौंप दिया। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ पंजाब पुलिस का क्रैकडाउन। रवासाल मुख्तलिफ वारदातों में मतलूब 1.5 लाख से जायद मुलजिम पकड़ लिए। तर्जमान के मुताबिक 1 लाख से जायद इश्तहार भी गिरफ्तार। लाहौर में 48,000 मुजरिमान को हिरासत में लिया गया। फ्रेंड ऑफ पुलिस की 13वें बैच के ट्रैफिक पुलिस लाइंस मनावा में आमद हुई है। तलबा को इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और ई चालानी बारे आगाह किया गया। वफ्द ने शहरियों की सहूलत और ट्रैफिक को रवा दवा रखने के लिए किए गए इकदाम को भी सराहा है। और खाबों के शौकीन लाहौरियों का रवायती नाश्ते से दिन का आगाज। शहरियों की बड़ी तादाद ने नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया। हलवा पूरी, नानचनी, अंडा पराठा और सरी पाए से लुत्फ अंदोज। शहरियों का कहना है एतवार को बाहर से नाश्ता करने का अपना ही मजा है।